मध्य प्रदेश की विधानसभा पंधाना में आगामी नगरीय चुनाव को देखते कांग्रेस ने कसी कमर। अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। न्यूज 9 टाइम्स मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर महाजन की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंधाना नगर कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन पंधाना बस स्टैंड पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव थे। कार्यक्रम सभा स्थल पर सबसे पहले स्वर्गीय भाजपा सांसद नंदू भैया को 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन का आयोजन आगामी नगरीय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही प्रदेश एवं केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा गैस, डीजल, पेट्रोल महंगाई के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर विरोध दर्ज कराया। साथ ही पंधाना नगर परिषद के कार्यकाल में अनियमितताओं की जांच की मांग का ज्ञापन अरुण यादव एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM आरती सिंह को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस नेत्री छाया मोरे, सुनील जायसवाल, सेवा दल अध्यक्ष प्रदीप मालवीय सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष, युवक कांग्रेस पदाधिकारी एवं सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्यूज 9 टाइम्स। उनके विरोध में दिल्ली में धरना प्रदर्शन 6 महीने से ज्यादा से हो रहा है, लेकिन मोदी जी को चिंता नहीं है कि हमारा काश्तकार, अरे वो काश्तकार जो अपना खून पसीना बहाकर इस देश को अन्न खिलाता है, अगर हम कल खेती करना बंद कर गौरवशाली तो महंगाई को लेकर धरना दिया जा रहा है और आगे की क्या आपकी समूचा देश महंगाई को लेकर पीड़ित है, चिंतित है, और चाहे वो डीजल पेट्रोल के भाव हो, चाहे नहरों या रसोई गैस के भाव हो, चाहे अन्य चीजों के भाव हो, वो आज आसमान छू रही है। और ये चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश के तिरंगा बिल्ला की सरकार, इन सरकारों को आम लोगों की कोई चिंता नहीं। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सेवा के लिए बनी है और आज हमारा देश का किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता है, कोई सुनवाई नहीं है। 200 से अधिक किसानों ने अभी तक वहाँ पर जिनकी मृत्यु उस आंदोलन के दौरान हुई है। हर बार हम लोग किसानों के माध्यम से, अपने कार्यक्रम माध्यम से इस सरकार को चिताते हैं कि सरकार किसानों का वो काला कानून वापस ले, इससे हमारी किसानों की जमीनों को चुनिंदा उद्योग पतियों के घरों पर गिरवी रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र दिल्ली की सरकार द्वारा किया गया। हम सब इस संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। आज पंधाना आपने देखा, हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने इस प्रदर्शन को यहाँ रखा। अभी हम लोग ज्ञापन देंगे। इस पंधाना की नगर परिषद की स्थिति के बारे में मखान लोगों ने किया, आपको जानकारी सुनाया होगा किस तरह से यहाँ बड़ी लूट, चाहे वो निर्माण कार्यों में हो, चाहे दुकान आवंटन में हो, बड़ी भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर यहाँ के भाजपाइयों ने किया। उसको लेकर हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमको राहत भी मिली। हमारे साथियों ने बड़ा संघर्ष किया। जो दुकानें स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए थी, वो दुकानें बाहरी लोगों को दे दी गई। इस भ्रष्टाचार को लेकर एक संघर्ष यहाँ पर खड़ा किया गया साथियों ने। इस संघर्ष को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी सदैव ही किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। भैया, नगरी प्रशासन चुनाव के लिए क्या तैयारी? अभी हमारे पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है। माननीय कमलनाथ जी का स्पष्ट निर्देशन है कि जिला इकाई और ब्लॉक इकाई इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। पर्यवेक्षक के माध्यम से कार्रवाई होगी। पहले टिकट भोपाल में होता था, अब टिकट जिला और ब्लॉक पे होगा। एक नई योजना माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में बनाई है और सबकी सहमति से ही हमारे वार्डों का चयन हम करेंगे, अध्यक्ष का भी करेंगे।